नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को गोलगप्पे बहुत पसंद आते हैं, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, गोलगप्पे सभी को बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन गोलगप्पे का पानी जो है उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये है खट्टा मीठा गोलगप्पे का पानी। आप देख सकते हो कितना टेम्पटिंग लग रहा है ये, और ये है खट्टा पानी। तो दोनों ही पानी अपने आप में बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही डाइजेस्टिव है, हाजमेदार है। आप इसको बनाओगे तो बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। साफ सुथरे तरीके से इसको आज आप बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी है। पेट आपका बिल्कुल साफ रखेगा, क्लीन करेगा आपकी आपके स्टमक को, और आप इसको एंजॉय भी बहुत करोगे। गर्मियों में खूब मज़ेदार लगेगा। ठंडा करके इसको पीजिए और एंजॉय कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। बनाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोज के अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। ले लेंगे सबसे पहले एक बोल, और इसके अंदर डाल लेंगे इमली। तो कोशिश करें अगर सीडलेस इमली मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। और इसके अंदर डाल देंगे हम गर्म पानी। तो फिल्टर्ड वाटर डालें या गर्म पानी डालें, ये हमने इसमें पानी डाल दिया। और अच्छे से आप देख सकते हो ये पानी में भीग गया है, तो इसको जो है सॉफ्ट होने देते हैं। पानी जो है एक बार आप बॉयल आ जाए और उसी वक्त आप पानी गैस को बंद कर दें और उसी पानी को डाल दें। अगर ज़्यादा पानी को बॉयल कर लेंगे तो पानी का कलर जो है थोड़ा व्हाइटिश में आ जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए। हमें ट्रांसपेरेंट पानी चाहिए। तो जैसे ही बॉयल आता है वैसे ही गैस को कर दें बंद और पानी डाल दें इसमें। तो 15 मिनट हो चुके हैं क्योंकि हमने गर्म पानी में इसको बॉइलिंग वाटर में भिगोया था, तो ये सॉफ्ट हो चुका है। आप देख सकते हो अच्छे से ये सॉफ्ट हो गया। हाथ को धो लें और हाथ को धोकर इसको जो है इस तरह से मसल लें। हाथों को धोकर ही हम इसमें जो है हाथ डालेंगे और अच्छे से इसको मसल लेंगे। ये सीडलेस इमली है, अगर एक आधा बाई चांस इसमें सीड हो भी सकता है तो चेक कर लें। और अच्छे से इसको, ये देखिए एक आधा सीड इसमें से हो सकता है निकल जाए, तो अगर हो तो निकाल लें। तो अच्छे से हमने इसका जो है एक इसमें से सीड निकला था वो हमने निकाल कर अलग कर दिया और इसको हमने मैश कर दिया। सॉफ्ट हो चुका है ये। अब हम ले लेंगे मिक्सी का एक जार और ये सारा पल्प जो है अपना उसमें डाल देंगे। इसको मिक्सी में घुमा लेंगे और इसकी जो है अच्छी पेस्ट बना लेंगे। तो इसको हमने घुमा लिया मिक्सी के जार में और इसका एक पल्प बना लिया। ये देखिए तो पल्प बन के रेडी हो गया, मैं आपको दिखाती हूँ। तो लीजिए इस तरह से इसका पल्प बन गया। अब हम ले लेंगे एक कोई भी बोल और स्ट्रेनर और इसको जो है छान लेंगे। इसके पल्प निकाल लेंगे, इसमें जितने भी रेशे हैं उसको अलग कर लेंगे। इस बोल में भी हम डाल लेंगे थोड़ा सा अपना फिल्टर्ड पानी और इसको भी हिलाकर ये भी इसमें मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से हमने इसको छान लिया और ये जो थोड़ा सा पल्प रह गया इसको जो है हम अलग कर लेंगे। सबसे पहले हम ले लेंगे मिक्सी का एक जार और इसके अंदर डालेंगे धनिया। ये धनिया और पुदीना हमने लिया है, कुछ धनिया ले लिया, थोड़ा सा हमने पुदीना ले लिया। तो हम ये जो है मिक्सी के जार में डाल देंगे। धनिया को हमने बस रफली चॉप कर लेना और अच्छे से पहले धो लें और फिर इसको रफली चॉप कर लें। डंडियों के समेत ही जो है हम धनिया को डालेंगे। हमने इन ये जो इनकी डंडियाँ होती हैं ये हम नहीं निकालेंगे। तो इसके साथ ही हमने इसमें अपना धनिया डाल देना। डंडियों में टेस्ट जो है बहुत ही बढ़िया होता है, तो ये डंडिया जो है हम जरूर डालेंगे इसमें। इसके साथ ही इसमें डाल देंगे पुदीना। तो थोड़ा सा पुदीना डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ खुशबू के लिए। और इसके साथ हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें। हरी मिर्चें आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो, मैं 3 हरी मिर्चें डाल रही हूँ। और इसके साथ ही एक छोटा जो है अदरक का पीस डाल देंगे, इसको कट करके इस तरह से। और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी ताकि ये ग्राइंड जो है आराम से हो जाए। अब हम इसको अच्छे से बिल्कुल बारीक अच्छे से हमने इसको पीस लिया। तो इस तरह से हमने इसकी जो है पेस्ट बना ली। अब हमने एक पैन ले लेना है और गैस को हमने नीचे से कर दिया ऑन। इसके अंदर डाल देंगे सौंफ। तो ये घर में खाने वाली जो ये मोटी सौंफ होती है वही इसमें डालेंगे। तो हमने जो है इसमें छोटे चम्मच की मेजरमेंट से 4 चम्मच जो है सौंफ के डाल देंगे। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे जीरा। तो उसी चम्मच की मेजरमेंट से 3 चम्मच हमने जीरे के डाल देंगे। इसको जो है लगातार हिलाते हुए हमने ड्राई रोस्ट कर लेना। इस तरह
इससे इसमें खुशबू भी बढ़िया आएगी और फ्लेवर तो अमेजिंग आएगा। तो 1 मिनट के लिए इसको अच्छे से ड्राई रोस्ट कर देंगे। फ्लेम हमने तेज़ रखा हुआ है क्योंकि ये हमारा पैन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था, इसलिए हमने फ्लेम को तेज़ रख के 1 मिनट के लिए इसको लगातार हिलाते हुए ड्राई रोस्ट कर लेंगे ताकि ये जले नहीं और इसका कलर भी हमने बहुत ज़्यादा चेंज एक नहीं मिनट हो करना। चुका है और आपको मैं पास से दिखाती हूँ तो आपको पता लगेगा कि ये हमारी जो जीरा है और ये जो हमारे सौंफ है ये भुनने लगी है। आप देख सकते हो, ये देखिए, आप देख सकते हो ये किस तरह से ये जंप कर रही है, इसका मतलब ये भून चुकी है। क्या इसको इस स्टेज पे बंद कर देते हैं और इसको निकाल लेते हैं ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए तो और ये मिक्सी की ठंडी हो जार जाए। में हमने इसको पलट लिया और ये ठंडी हो चुकी है, इसको अच्छे से पीस लेते तो हैं। हमने इसको पीस लिया है तो चेक कर लेते हैं। अब हम एक बोल ले लेंगे और ये जो हमने पुदीने और धनिया का को पीसा है वो डाल देंगे इसमें। इसके साथ ही इसमें डाल देंगे बिल्कुल एक चुटकी हींग। मेरी हींग जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसलिए मैं बिल्कुल ही हल्की सी एक चुटकी डालूंगी। इसके साथ ही हम डाल देंगे अपने बाकी के स्पाइसेस। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नमक, आधा चम्मच के करीब नॉर्मल नमक, आधा चम्मच ही हम डालेंगे लाल नेगी मिर्च, बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हो तो डाल लीजिए और अगर तीखा नहीं ज़्यादा पसंद करते हो तो आप इसको रहने भी दे सकते हो क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च भी डाली है। और आधा चम्मच ही हम इसमें डाल देंगे काला नमक यानी कि ब्लैक सॉल्ट, इससे भी टेस्ट बहुत अमेजिंग आएगा। और चटपटा बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे जलजीरा पाउडर, जो MDH का जलजीरा पाउडर होता है वो डाल देंगे इसमें 1 चम्मच भर कर। ये फिल्टर्ड पानी इसमें डालें या आप बॉयल करा हुआ पानी डालें। तो ये हमने पानी डाल दिया इसमें और इसको अच्छे से आप हम मिला लेंगे। कलर आप देख सकते हो कितना सुंदर सा इसका कलर आया है। अब इसके साथ हम डालेंगे इसमें इमली का जो हमने पल्प बनाया था, तो ये जो पल्प बनाकर रेडी करा हुआ था, तो हम एक छोटी कड़छी जो है वो भी पूरी नहीं हल्की सी कम हम इसमें जो है इसमें डाल देंगे सिर्फ इसको खट्टा करने के लिए। हमने इसको बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं करना है तो इसको साइड कर लेंगे और एक लेंगे हम बोल और सारे को हम स्टेन कर लेंगे। इसमें क्या होगा जो भी रेशे होंगे पुदीने के धनिए के तो वो जो है आसानी से निकल जाएंगे। और अगर आप नहीं भी करना चाहते हो तब भी कोई बात नहीं, आप रहने दे सकते हो, लेकिन इस तरह से पानी जो है और बढ़िया बनता है। तो ये जो मोटा मोटा है इसको रहने देते हैं, निकाल देते, साइड कर देते हैं। अब अब पानी हम को इसमें अलग डाल कर देंगे देते थोड़ी हैं सी बूंदी क्योंकि बूंदी इसमें बहुत ही बढ़िया लगती है। और हल्का सा इसमें बिल्कुल बारीक बारीक धनिया चॉप करके डाल देंगे। इसको हिला लेते हैं और बढ़िया सा हमारा चटपटा सा खट्टा पानी तैयार हो गया। अब हम बनाते हैं खट्टा मीठा। अब हम ले लेंगे बोल और इसमें डाल देंगे 1 चम्मच इमली का पल्प, एक कड़छी, ये देख सकते हो मीडियम साइज की कड़छी है, और एक कड़छी हम इसमें इमली का पल्प डाल देंगे। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे ये जो पुदीना और धनिया का बैटर हमने बनाया था ये डाल देंगे इसमें, ज़्यादा नहीं डालेंगे थोड़ा सा डालेंगे। अब इसमें डाल देंगे अपने मसाले, जैसे इसमें डाल देंगे नमक 1 चम्मच, काला ये नॉर्मल रेगुलर नमक है जो हमने इसमें डाला है। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच के करीब काला नमक यानी कि ब्लैक सॉल्ट। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे जलजीरा पाउडर जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और इसमें डालेंगे लाल देगी मिर्च 1/3 स्पून, अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। इसके अंदर डालेंगे पिसी हुई चीनी, मिक्सी की जार में रेगुलर चीनी को पीस लें डालकर, और ये हम इसमें तकरीबन 3 चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लें।
अब हम इसमें डालेंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी। इसकी रेसिपी मेरे चैनल में है, आप चाहे तो देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी, आप देख सकते हो वहाँ से। तो ये चटनी इसमें डाल देंगे, चटनी हम इसमें डाल देंगे 4 से 5 चम्मच। इससे टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आएगा, यकीन मानिए गाइस, बहुत ही आपको मज़ा आएगा ये पानी पीकर। तो इसको भी हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अच्छे से ये मिक्स हो गया। इसमें हम डालेंगे अपना फिल्टर्ड वाटर। अच्छे से मिला लेंगे एक बार, इसको भी साइड करेंगे और स्ट्रेनर की हेल्प से इसको भी छान लेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये दोनों पानी, आप देख सकते हो हमारे ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे अपना मसाला जो हमने पीसा था, वो मसाला इसके अंदर डाल देंगे। तो 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे और 1 चम्मच मसाला हम इसमें डाल देंगे। आप चाहे तो इसको पहले भी डाल सकते हो और इसको छान कर आप पी सकते हो, लेकिन इस तरह से भी बहुत बढ़िया लगेगा। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे। इसके साथ ही हम इसमें डाल लेंगे थोड़ी सी बूंदी और थोड़ा सा धनिया। तो लीजिए, दोनों तरह के पानी हमारे तैयार हो गए बनकर, और यकीन मानिए बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी बने हैं। गोलगप्पों के साथ इसको खाए, पानी को पीजिए या इसी तरह से पीजिए, आपको मजा आ जाएगा। तो रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।